गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम तबरेज अख्तर। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, चलिए देखते हैं। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीन्स द अर्थ एंड मेट्रियन मीनिंग टू मेजर। ज्योमेट्री का जो मतलब होता है, ग्रीक भाषा से पता चलता है हमें कि जियो का मतलब अर्थ होता है और मेट्रियन का मतलब मेजर होता है, यानी मेजरमेंट की बात कही जा रही है यहाँ पे। ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम नीड ऑफ द मेजरिंग लैंड। तो इसीलिए ज्योमेट्री आया है ताकि जो मेजरमेंट है वो हो सके, यानी ज़मीन की जो भी लंबाई चौड़ाई है उसको नापने से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म इन एवरी एंशियंट सिविलाइजेशन बी इन इजिप्ट। तो इजिप्ट की बात की जा रही है कि इजिप्ट में बहुत जगह इस सारी चीज़ें यूज़ में आती थी, बेबीलोनिया में और चाइना में, इंडिया में, ग्रीस में भी ये चीज़ यूज़ में आती थी, है ना, और इनकास में, ठीक है। द पीपल ऑफ दी सिविलाइजेशन फेस्ड सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन वेरियस वेज। तो यहाँ के लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते थे यही मेजरमेंट करने में, ठीक है। तो वो मेजरमेंट करने में जब डिफ़िकल्टी मेजर करते थे तो कोई ना कोई सोल्यूशन उसका ज़रूर निकालते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर द रिवर नाइल ओवर फ्लोड इट वाइव्ड आउट द बाउंड्रीज बिटवीन द एडजॉइनिंग फील्ड ऑफ द डिफरेंट लैंड ओनर्स, ठीक है। तो जब शुरू में यहाँ रिवर नाइल की बात कर रहे हैं, जब वहाँ से ओवरफ्लो होता था तो लोगों की ज़मीनें ख़राब हो जाती थी, बह जाती थी, उनकी बाउंड्री बह जाती थी। आफ्टर सच फ्लडिंग दीज बाउंड्रीज हैड टू बी रिड्रॉन। उसके बाद में फिर से उनको बाउंड्री वगैरह बनानी पड़ती थी। और दिस पर्पज़ द इजिप्टियन डेवलप अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक एंड रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल एरियाज़। तो उसके लिए इजिप्टियन जो थे, इजिप्ट के रहने वाले लोग जो थे, बहुत सारी टेक्निक निकालते हैं ताकि एरिया को कैलकुलेट किया जा सके, है ना। एंड द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वाज आल्सो यूज्ड बाय देम टू कंप्यूटिंग वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे भी दिमाग लगाया कि ग्रेनरीज यानी बड़े बड़े हमारे पास जो गोदाम वगैरह हैं वहाँ पर हम उसका एरिया कैसे निकालें। एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कनाल्स, यानी नहर वगैरह बनाने के लिए हम कैसा मेज़रमेंट यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ वो दिमाग में लाते थे और इसका सोल्यूशन निकालते थे। और पिरामिड बनाने के लिए भी जो भी यूज़ होता था वो भी उन्होंने मेज़रमेंट यूज़ किया, तब जाके पिरामिड बना। दे ऑल्सो न्यू दैट द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रंकेटेड पिरामिड। तो वो ये भी जानते थे कि कैसे ट्रंकेटेड पिरामिड का एरिया निकाला जाता है। सोचो, वो एरिया यानी वॉल्यूम निकालना जानते थे, बहुत पुरानी बात है। यू नो दैट द पिरामिड इज़ द सॉलिड फिगर। पिरामिड जो होता है एक सॉलिड फिगर होता है, द बेस ऑफ विच ए ट्राइंगल एंड स्क्वायर और सम अदर पॉलीगॉन। तो उसका बेस जो होता है वो ट्राइंगुलर भी होता है, स्क्वायर बेस भी होता है और पॉलीगॉन बेस यानी उससे ज़्यादा साइड के बेस भी हो सकते हैं। एक फिगर दिया हुआ है जो कि ट्रंकेटेड पिरामिड का फिगर दिया हुआ है जो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। इन द एंशियंट सब कॉन्टिनेंट द एक्सकेवेशन एंड हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो एटीसी सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ज्योमेट्री। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, अगर हम जो एक्सकेवेशन हुआ यहाँ पर, तो हमें पता चला मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग देखने को मिली जिससे पता चलता है कि वो लोग भी ज्योमेट्री के बारे में जानते थे। इट वाज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, ठीक है। द रोड्स वर पैरेलल टू ईच अदर। और जो वहाँ पे रोड्स बनी थी मोहनजोदड़ो में, वो पैरेलल रोड्स थी, यानी हमें पता चलता है कि बहुत ही मेज़रमेंट का यूज़ करके बहुत सटीक बनाया गया है। दिस शोज दैट द टाउन ड्वेलर्स वर स्किल्ड इन मेंसुरेशन एंड प्रैक्टिकल अर्थमेटिक। और ब्रिक्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर किल फायर्ड एंड रेशियो लेंथ ब्रेथ थिकनेस, ठीक है। तो जो भी ब्रिक्स यूज़ किया गया था उस टाइम पे, उस ब्रिक्स का जो रेशियो था लेंथ ब्रेथ और थिकनेस वगैरह का, वो भी एकदम एग्जैक्ट था। तो वो लोग, सोचो कि इतने पुरानी टाइम की बात है और वो लोग ये सारी चीज़ें जानते थे, ठीक है। तो दीज एग्जाम्पल शोज
that the geometry was being developed and applied everywhere in the world, but this was happening in the unsystematic manner. What it interesting about these development of geometry in the ancient world is that they were passed on from one generation to the another generation, next generation, either orally or through palm leaf message or by other ways. Also, we find that in some civilizations like Babylonia, geometry remained a very practical oriented discipline, as was in case in India and Rome. तो ये हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई जगह जगह पे इसका यूज़ हुआ, बहुत पहले के लोगों ने इसका यूज़ किया, ठीक है. यूज़ करने के बाद भाई इसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे वेज फाइंड आउट किए, पत्तियों में लिख के या फिर किसी और चीज़ में लिख करके आगे तक अपनी ये जानकारी पहुँचाई. और ज्योमेट्री का यूज़ हर जगह होता आया है, शुरू से होता आया है, ठीक है. इनफैक्ट बेबीलोनियंस एंड इजिप्टियंस यूज ज्योमेट्री मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एंड डिड वेरी लिटिल टू डेवलप इट एज अ सिस्टमैटिक साइंस, ठीक है. लेकिन बेबीलोनियंस की बात करूँ और इजिप्टियन की बात करूँ तो वो लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ही यूज़ करते थे ज्योमेट्री का, ठीक है. बट इन सिविलाइजेशंस लाइक ग्रीस एंड एम्फेसिस वॉज ऑन द रीजनिंग बिहाइंड वाई सर्टेन कंस्ट्रक्शंस वर्क, ठीक है. और लेकिन अगर दूसरे सिविलाइजेशन की बात करूँ, अगर जैसे कि ग्रीस की बात करूँ, तो ये लोग उसको सोचते भी थे, समझते भी थे कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है. द ग्रीक वर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रुथ ऑफ सिस्टमेटिक दे डिस्कवर्ड यूजिंग डिटेक्टिव रीजनिंग. तो वो इस चीज़ को सोचने समझने लगते थे कि आखिर क्यों ऐसा यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है. जबकि कुछ सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं किया जाता था, ठीक है. अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ. दिस प्रूफ वॉज द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, ठीक है. उसके बाद एक पहला रूल जो दिया, किसने दिया, एक प्रूफ दिया किसने, ग्रीक मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने एक प्रूफ दिया, यानी ये बताया, क्या बताया, कि सर्कल को उसके डायमीटर के द्वारा दो टुकड़े किया जा सकता है, दो टुकड़े यानी बाइसेक्ट किया जा सकता है. होम यू हैव हर्ड अबाउट पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप डिस्कवर्ड मैनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट. उसके बाद पाइथागोरस ने तो बहुत सारी ज्योमेट्री दे डाली, ठीक है, और ज्योमेट्री को एक नया कह सकते हैं एरा मिल गया. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल 300 BCE. तो ये प्रोसेस चलती रही 300 सालों तक. एट दैट टाइम यूक्लिड अ टीचर ऑफ मैथमेटिक एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट कलेक्टेड ऑल द नोन वर्क एंड अरेंज इट इन हिज फेमस ट्रीटाइज, ठीक है. उसके बाद एक टाइम आया जब यूक्लिड जो थे वो मैथमेटिक के टीचर थे अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में, ठीक है. तो यूक्लिड जो थे उन्होंने इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके इकट्ठा कर लिया, ठीक है. ये सारी ज्योमेट्री को उन्होंने इकट्ठा कर लिया. अब आते हैं यूक्लिड्स का ही ये चैप्टर है, तो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज which of the following statement are true and which are false. कौन सी सही हो सकता है, कौन सा गलत. Only one line can pass through a single point. एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है. अगर मैं एक पॉइंट बनाऊँ यहाँ पे, ये पॉइंट बना दिया बड़ा सा, ये है पॉइंट, तो क्या इससे सिर्फ एक लाइन जा सकती है. ये एक लाइन तो चली गई, अब दूसरी नहीं जा सकती क्या. जा सकती है, ये भी तो जा सकती है, ये चली गई, और भी जा सकती है, ये भी तो जा सकती है, एक लाइन ये चली गई, तो बहुत सारी लाइन जा सकती है, तो ये वाला फॉल्स हुआ. सेकंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. दो पॉइंट से बहुत सारी लाइन निकल सकती है. तो दो पॉइंट, एक ये पॉइंट बना दिया, एक ये पॉइंट बना दिया, तो इससे कितनी लाइन निकल सकती है. चलो एक लाइन निकल जाएगी, ये निकल गई,
ये एक लाइन निकल गई है, मोटी कर दूँ इसको, ठीक है। इसके अलावा कोई लाइन निकल सकती है? नहीं निकल सकती है। अब क्या निकलेगी? एक ही लाइन तो निकल सकती है दो पॉइंट से, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हुआ। थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है कि थ्योरी है, यानी कि कुछ रूल्स वगैरह बताए थे यूक्लिड्स ने, उसके अकॉर्डिंग अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो टर्मिनेटेड लाइन जो होती है, यानी रुकी हुई लाइन, उसको दोनों तरफ से इनडेफिनेटली यानी अनिश्चित तौर से, यानी अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड प्रोड्यूस किया, कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली यानी अनिश्चित तौर पे बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखो, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किया जा सकता है, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। पोस्टुलेट टू, एक यूक्लिड्स पोस्टुलेट कुछ दिए थे उसने, उसमें पोस्टुलेट टू में यही बात लिखी है। तो यानी वो वाला जो आंसर है वो आपका सही होगा। उसके बाद आते हैं दूसरे आंसर में, यानी इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो ये भी ट्रू है, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। इन फिगर इफ़ ए इक्वल टू पी क्यू देन पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या अगर पी क्यू एक्स वाई के बराबर है और ए बी भी पी क्यू के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या बताओ कि एक्स वाई और ए बी बराबर होंगे? हाँ बराबर होंगे। ये भी रूल यूक्लिड्स ने बताया था, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्जियोम थिंग्स वर विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो अगर किसी सेम थिंग के इक्वल होती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होती हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं। गिव अ डेफिनीशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। इन सब चीज़ों को आप बताइए। सबसे पहला पैरेलल लाइंस, टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स आर पैरेलल लाइंस, यानी दो लाइन जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस आर कॉन्स्टेंट। तो दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। अगर वो दोनों दो मीटर की दूरी पे हैं दोनों लाइन, तो हमेशा वो दो मीटर की ही दूरी पे होंगी, वो एक दूसरे के पास भी नहीं आएंगी और दूर भी नहीं जाएंगी। परपेंडिकुलर लाइन टू लाइंस विच फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? विच हैव टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर टू द सर्कल इज सर्कल टू द सर्कल इज रेडियस, ठीक है। रेडियस जो होता है वो उसके सेंटर पॉइंट से उसकी सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको टच करता है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखनी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट दिए हुए हैं, ठीक है। अभी जो पोस्टुलेट दिखाया हुआ था, गिवन एनी टू डिस्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, देयर आर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट एट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है। ये दो पोस्टुलेट दिए हुए हैं क्वेश्चन में। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो इन पोस्टुलेट में क्या कोई टर्म ऐसा है जो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो आर दिस पोस्टुलेट आर दिस पोस्टुलेट कंजिस्ट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे ये बताना है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं, और क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स विच शुड बी लिस्टेड। दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या करेंगे कि इसमें कुछ टर्म्स हैं जो अनडिफाइंड हैं, वो चीज़ डिफाइंड भी की जाएगी, और ये कंसिस्टेंट भी है, लेकिन ये ठीक है कंसिस्टेंट है लेकिन, ठीक है। तो इसमें कंसिस्टेंट आएगा, लेकिन कुछ टर्म हैं जो कि डिफाइंड नहीं है वो डिफाइंड
करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है ये जो कह रहा है कि गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज़ अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। तो दो पॉइंट ए बी है, उसके बीच में कोई सी पॉइंट है, ठीक है, ये कह रहा है पहला वाला पोस्टुलेट। ठीक है, उसके बाद गिवन ए एंड बी यू कैन टेक सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे दूसरी वाली स्टेटमेंट से हमको पता चला ए एंड बी जो है वो एक लाइन है, तो उसमें से आपको सी बाहर निकाल देना है। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो तीन पॉइंट जो कि सेम लाइन में ना हो, तो सी को अगर आप बाहर निकाल दोगे उस लाइन से, अगर सी को बाहर निकाल दोगे तो अब ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट यही कहना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, ये चीज़ हमने बताया। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है, नहीं करता है, क्योंकि यूक्लिड्स पोस्टुलेट आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए जो अभी हमने दिखाया था, तो उसमें से ये फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन दे फॉलो फ्रॉम एक्जियम 5.1 5.1 एक्जियम में जो बातें कही गई हैं ये उसको फॉलो करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, टू प्रूव ए सी इक्वल टू 1/2 AB एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, तो अगर ए सी बराबर बी सी है तो प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू 1/2 AB होगा। ठीक है, तो फिगर देख लीजिए, फिगर ऐसा बनेगा कि ए बी और उसके बीच में सी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सी बी सी के बराबर है। ठीक है, तो ए सी बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब अगर दोनों तरफ ए सी जोड़ दें, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कोई चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे। ए सी और ए सी दोनों तरफ जोड़ देंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक जगह हो जाएगा 2AC, दूसरी जगह हो जाएगा AC प्लस BC। तो AC प्लस BC क्या होता है, देख लो, AC प्लस BC यानी CB या BC। ठीक है, पूरी लाइन हो जाएगी ये, यानी AB बराबर, इसके AB बराबर हो जाएगा, तो 2AC इक्वल टू AB, तो ये जो 2 जो है वो उसके नीचे आ जाएगा, तो 1/2 AB यानी AC की वैल्यू 1/2 AB आ गई। क्वेश्चन 5, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद किसी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ये चीज़ प्रूव करना है हमको। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, जो दो जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। अगर हम मान लें कि सी और डी जो है दो एंड पॉइंट है किसी लाइन के, ठीक है, टू मिड पॉइंट है किसी लाइन AB के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग क्या होगा, AC इक्वल टू AB होगा, या फिर AD इक्वल टू 1/2 AB होगा, है ना। तो अगर हम कोई लाइन सेगमेंट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लिए, अब बोल रहा है कि AB ले लो, इसको AB ले लिए, इसके दो मिड पॉइंट बना लिए, ठीक है सी और डी, मान लो एक सी बना दिए यहाँ और एक डी भी बना दिए, कह रहे हैं कि दोनों मिड पॉइंट हैं। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC इक्वल टू 1/2 AB हुआ था। ठीक है, AC इक्वल टू यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक AC हो गया, और ये इक्वल टू 1/2 AB यानी ये AB के हाफ होगा, AB का हाफ होगा, मिड पॉइंट है तो AB का हाफ होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में किया, और AD भी मिड पॉइंट है, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा, तो AD भी मिड पॉइंट है, तो ये भी 1/2 AB के बराबर होगा, यानी बड़े वाले AB के यानी बड़ी वाली लाइन के हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया AC इक्वल टू AD, अगर दोनों AB ही है तो इन दोनों को भी तो इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया AC
इक्वल टू ए डी इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ सी एंड डी कोइंसाइड। तो ये जब ही पॉसिबल हो सकता है कि ए सी और ए डी बराबर हों, जब जो सी है और जो डी है वो एक के ऊपर एक हो पॉइंट, यानी कोइंसाइड हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि किसी लाइन के अंदर, किसी लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट नहीं हो सकते। इफ़ फिगर ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूफ ए बी इक्वल टू सी डी। ए सी बी डी है तो ए बी सी डी बताओ। ए सी बी डी है यानी इक्वल टू है इसके, तो ए बी और सी डी में क्या फ़र्क है, यानी ए से लेकर बी और सी से लेकर डी, क्या ये बराबर है? तो ए सी और बराबर बी डी तो दिया हुआ है। ठीक है, फिर दोनों जगह आप क्या करो, ए सी में भी बी सी बी सी माइनस कर दो और बी डी में भी बी सी माइनस, दोनों जगह बी सी का माइनस कर दो। जैसे ही बी सी का माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी। जैसे ही ए सी में बी सी माइनस करोगे, यहाँ क्वेश्चन में देखो, ए सी में यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइन में इतनी लाइन बी सी माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, ए बी, और वहाँ सी डी बचेगा। ठीक है, यहाँ बी डी में बी सी माइनस करोगे, बी डी में बी से लेकर डी में कितना बी सी माइनस करोगे तो सी डी बचेगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी डी ये आ गया। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, वाई इज़ एग्जियम फाइव इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, क्वेश्चन एग्जियम फाइव में जो कहा गया है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना गया है, द होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट। ठीक है, तो क्या कहा गया, एग्जाम फाइव कहता है, अलेक्जेंडर की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि होल इज़ अ ग्रेट ऑफ ग्रेटर देन द पार्ट, यानी पूरा जो है वो आधा से ज़्यादा कहलाता है, पूरा जो है वो आधा से ज़्यादा कहलाता है। ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, एग्जाम फाइव में। तो क्योंकि सिंस दिस इज़ अ ट्रू फॉर एनी थिंग एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो ये किसी भी दुनिया में, दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए ये चीज़ सही है, दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए ये रूल अप्लाई होता है, यानी ये चीज़ फॉलो होती है। चाहे कोई भी चीज़ ले लो, उसका जो पूरा हिस्सा है वो उसके आधे हिस्से से या फिर कोई पार्ट के हिस्से से ज़्यादा ही होगा। ये चीज़ बताई गई थी शुरू में एंशियंट टाइप में, जो कि आज हमारे पास ये सारी चीज़ें, ये जानकारी सब नॉर्मल है, लेकिन पहले ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी। ठीक है, ये सब चीज़ की जानना या जानकारी रखना। 5.2 में सिर्फ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू रिराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट को आप क्या करो, क्या कैसे लिखोगे? तो आंसर है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 देन द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच अ वे, अगर दो लाइन किसी तीसरी लाइन को कुछ इस तरीके से काटती हैं कि उन दोनों के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना है, 180 है, तो फिर ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, देन ये टू लाइंस इंटरसेक्ट्स ईच अदर। तो ये दोनों लाइन, तो यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट हैं जो कि मान लीजिए कि अभी हमने मान लीजिए अच्छे से डिस्कस नहीं किया है जो क्लास में, तो एक काम करते हैं कि ये वाले क्वेश्चन जो दो ठो हैं सिर्फ आप इसको राइट कीजिए, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सारे पोस्टुलेट वगैरह, एग्जियम वगैरह जो भी यूक्लिड्स ने बताए थे वो हम पहले उसको पढ़ लेंगे, तो ये सारे आंसर आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो
इस क्लास में मैंने नहीं बताई है, जो रूल्स और जो किताबें जो जो चीज़ थ्योरीज वगैरह उन्होंने बताई थी, वो थ्योरीज मैं बता दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग पे ये आंसर करने हैं, ठीक है। तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो अभी 5.2 बस दो ही क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी 5 चैप्टर का एक और वीडियो सेंड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।